हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लैरावेल प्रोजेक्ट सीरीज़। माय नेम इज़ अनिल और लैरावेल का ये वाला प्रोजेक्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि हम कंपोजर भी खुद ही इंस्टॉल करेंगे, लैरावेल भी खुद ही इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ। ठीक है, सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रेस्टो। रेस्टो इसका नाम क्यों है? बिकॉज एक रेस्टोरेंट की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो के, और बाद में हम प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे टास्क हैं उसके। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम कंपोजर इंस्टॉल करेंगे, लैरावेल इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो और इस प्रोजेक्ट के हमारे मेन मॉड्यूल्स कौन से हैं, देखिए, रेस्टोरेंट की लिस्टिंग आएगी, नया रेस्टोरेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, राउटिंग देखेंगे हम अच्छे से, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल की सेटिंग, पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करना है, और बूटस्ट्रैप जेक्वेरी वगैरह ऐड करेंगे इसके अंदर। एक तो सर्विसेज भी बना के देखेंगे लास्ट के अंदर कि हम सर्विसेज वगैरह कैसे बना सकते हैं, एपीआई जिसको हम रेस्ट सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर फॉर्म वगैरह, वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो मिस मत करिएगा, स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ के साथ में कि कंपोजर इंस्टॉल कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको कभी भी कॉपी करनी पड़े तो वहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये सारा का सारा कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, जितने भी मैं प्रोजेक्ट का जहाँ पे सारा काम करूँगा, सारा का सारा आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी कोड उठा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं। कंपोजर इंस्टॉल करेंगे, मेरी सारी की सारी कमांड लाइन्स बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, सो ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल कंपोज़र। ठीक है, सो आपको फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर ही जाना है, जो गेट कंपोज़र डॉट ओ आर जी है, इसके ऊपर ही जाना है आपको, और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड के अंदर। ठीक है, चाहे आपके पास विंडोज़ हो, मैक हो, या फिर आपके पास में उबंटू हो, लिनक्स का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, तो सारी की सारी कमांड सेम रहेंगी। आपको चार कमांड्स चलानी है, ये वाली, सॉरी, तीन कमांड। फोर्थ कमांड ये कंपोजर को हटाने के लिए होती है, अनलिंक करने के लिए होती है, आपको ये वाली कमांड चलाने की जरूरत है नहीं, अगर हटाना हो तो आप चला सकते हो। तो कमांड लाइन ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अब आप ये बोलोगे मैं इंस्टॉल कहाँ पे जाके करूँ, किसी डायरेक्टरी वगैरह में करूँ? नहीं, ये ग्लोबल इंस्टॉलेशन होती है। ठीक है, सो आप एक बार इंस्टॉल कर दो, ये ग्लोबल ही अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद में सेकेंड वाली कमांड होगी, ये वाली करनी है। ठीक है, इस कमांड से इंस्टॉल नहीं हुआ है, जस्ट वेरीफाई हुआ है सिस्टम का, जो कि कुछ अपने लॉग्स वगैरह वेरीफाई करता है। थर्ड कमांड के साथ में ये अपना एग्जैक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो उसके बाद में जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि इंस्टॉल कैसे होता है। अब एक चीज़ और आती है, देखिए, जब तक इंस्टॉल होता है ओब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम लैरावेल को बिना कंपोजर के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ना मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक तो ये लिमिटेशन है कि आपको कभी भी कोई भी वर्जन आपको इजीली अपडेट नहीं कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मैनुअल करनी पड़ेंगी, और कमांड लाइन भी तरीके से काम नहीं करती है उसके अंदर। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए हमेशा बेस्ट होता है कि आप कंपोजर के साथ ही करो। देखिए, कंपोजर इंस्टॉल हो गया, इसने बोला चला गया। अब मैं कंपोजर चेक करने के लिए इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, कंपोजर यहाँ पर लिखूंगा, और ये देखिए कंपोजर जैसे मैंने लिखा, इसने मुझे बता दिया कि कंपोजर इंस्टॉल हो गया, उसने जबकि मेजर मेजर कमांड्स हैं इसने ये भी बता दी है। ठीक है, सो ये इंस्टॉल होने के बाद में हम जाते हैं लारावेल के ऊपर, लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम, laravel.com के ऊपर, और यहाँ से हम ये देखेंगे कि हम लारावेल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लारावेल का जो अभी करंट वर्जन है वो 7.7 है। ठीक है, सो अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप 7.6.5 तक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं। ठीक है, सो देखिए, जैसे आप इंस्टॉलेशन के ऊपर जाओगे, सो आपको ये चीज़ें बोल रहा है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा बस, बाकी सब ठीक है। PHP का वर्जन आपका 7.2 से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है, बस आपको ये वाली कमांड चलानी है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर। ठीक है, ये लारावेल अपने आप में इंस्टॉल कर देता है, बट ये वाला लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं करता है, लारावेल इंस्टॉलर होता है। इसका मतलब क्या है लारावेल इंस्टॉलर का? देखिए, ये आपको एक तरीके से पैकेज मैनेजर होता है, ये भी जैसे कि NPM वगैरह यूज़ करते हैं हम एंग्लर वगैरह के लिए। ठीक है, बट और आप ये भी कह सकते हो कि CLI टूल होता है ये एंगलर के लिए। तो जैसे ही अगर आपको बाद में लारावेल यूज़ करना पड़ेगा ना कभी भी, तो आपको बस एक कमांड चलानी है और आपका फटाफट से न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉलर है, सो इसके बाद में हम ये वाली कमांड चलाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। सो देखते हैं, जब तक इंस्टॉल होता है मेरी वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो ये इंस्टॉल हो गया, अब लारावेल इंस्टॉलर हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए हमें जैसे लारावेल लिख सकते हो यहाँ पे, और ये आपको बता दिया कि हाँ इंस्टॉल हो गया। लारावेल के अंदर ज़्यादा कमांड्स नहीं होती, बस तीन ही कमांड होती हैं, एक तो न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए, लिस्ट कमांड के लिस्ट देने के लिए एक हेल्प होता है कि हेल्प कमांड देखने के लिए। ठीक है, सो अब मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, बेसिकली डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मेरा एक 7 नाम से फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं मेरे लारावेल का सारा काम करता हूँ। ठीक है,
सो यहाँ पे एलएस करूँगा, यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ mkdir, और इसके अंदर मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ लेट्स से रेस्टो। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर रेस्टो लिखूँगा, एंटर करूँगा, सो ये मेरी कम डायरेक्टरी बन गई है। बट आप चाहो तो इस तरीके से डायरेक्टरी ना भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे जाके लारावेल न्यू रेस्टो भी कर सकते हो। ठीक है, रेस्टो। ठीक है, बेसिकली मैं इसके अंदर दो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे HI लिखूँगा इसके सामने, ठीक है, तो ताकि हिंदी के अंदर क्रिएट हो जाए और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश के लिए। ठीक है, सो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। देखिए, इसके साथ एक तो और भी तरीका होता है लारावेल को इंस्टॉल करने का, अगर आप मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। बट अगर एक बार लारावेल इंस्टॉलर है ना आपके पास, तो बहुत जल्दी ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, सो ये देखिए, इसने बहुत सारी चीज़ें तो अपनी कैशे से उठाई हैं, ये इसने कैशे से कैशे से कैशे से मोस्टली चीज़ें। ठीक है, इससे क्या होता है कि सारा कुछ लारावेल अपने आप कैशे में रखता है, और जब भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो फटाफट से इंस्टॉल करता है। तो इसलिए लारावेल इंस्टॉलर रिकमेंडेड होता है। ऑलराइट, सो इट्स अबाउट इंस्टॉल। इसके बाद हमें एक ये वाली कमांड चलानी है इस फोल्डर के अंदर जाके, और ये कमांड क्या करेगी, इस कमांड की हेल्प से हम हमारा जो PHP का आर्टिशियन सर्वर होता है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑलराइट, तो इसने बोला कि इंस्टॉल हो गया। अब मैं देखता हूँ फोल्डर, देखिए मेरे पास यहाँ पे रेस्टो हिंदी भी आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिशियन सर्व, और ये मेरा 800 के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। आप देख भी सकते हो इसको यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की राउटिंग्स वगैरह, लिस्टिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।